राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, मोदक बना रही हूँ आप सभी के लिए। कल रेसिपी आने वाली है। अच्छा, मुझे कुछ कमेंट्स आए हैं कि दीदी आप अपनी एक ही वीडियो को दो दो बार क्यों अपलोड करती हो। तो वैसे तो ऐसा बहुत कम हुआ है कि मैंने कोई वीडियो आपके साथ दो बार शेयर की है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मैं बहुत सारी रेसिपियाँ बनाती हूँ और खासकर मैं अपने घर में थालियाँ बनाती हूँ, आप सभी को पता ही है। और थालियाँ बनती है मतलब उसमें बहुत सारी रेसिपियाँ रहती हैं मेरी, तो कभी कभी थाली का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होता है। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे उसमें मैंने कोई खास सब्जी बनाई है, कुछ अलग तरीके से सब्जी बनाई है, तो मैं उसको ना सेपरेट करके निकाल देती हूँ कि चलिए देखने वाले देख ही लेंगे, जिसके काम आनी होगी आ ही जाएगी। और दूसरा, अभी अभी मैंने एक मोदक की रेसिपी आपके साथ शेयर की है और वही रेसिपी मैंने अभी दो दिन पहले भी आपके साथ शेयर की थी, जिसको मैंने ओरियो बिस्किट से बनाया था। तो मैंने सोचा ये ना बता देना आपको जरूरी है कि मैंने एक दो दिन के अंदर ही सेम रेसिपी मतलब दो बार शेयर क्यों की है। तो मैंने इस वजह से शेयर की है, जो बच्चों के पापा है ना, तो वो बोल रहे थे कि तू अपने वीडियो का रेजुलेशन चेंज कर ले। मतलब जैसे कि आप देखते हो मेरी वीडियोस आती है, जैसे ही फोन है मेरा, मेरे पास दूसरा फोन नहीं है समझाने के लिए, किस चीज से समझाऊं ये, चलो ये मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल ये मेरा फोन है, ठीक है। फोन के दो एंगल होते हैं, एक तो ऐसा होता है नॉर्मली खड़ा, जैसे हम कान से लगा के नहीं सुनते हैं फोन को इस तरीके से, एक तो ये होता है वीडियो बनाने के लिए, और एक ये वाला होता है, ठीक है ना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, दो जो है एंगल होते हैं। अब आप सुनिए कि मेरी वीडियो आपके पास आती है इस वाले रेजुलेशन में, जब भी मैं अपनी वीडियो को बनाती हूँ, इस वीडियो में उनके भी कमेंट का जवाब मिल जाएगा, जो अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं कि दीदी आप कौन सी रेजुलेशन में अपनी वीडियो को शूट करते हैं, वीडियो अच्छी लगती है। तो ये वाला जो रेजुलेशन होता है, इसमें मेरी सारी वीडियो आती है, लॉन्ग भी आती है और शॉर्ट भी आती है। मतलब जैसे कि नॉर्मली आप शॉर्ट वीडियो देखते रहते हैं तो वो फोन के आपके पूरी स्क्रीन पे चलती है, आपको फोन को ऐसे वैसे करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो नॉर्मली इसी रेजुलेशन में मैं अपनी वीडियो बनाती हूँ। एक वीडियो आती है हमारे फोन में रेक्टेंगल में इस तरीके से, तो जब इस तरीके से वीडियो आती है तो वो वीडियो हमारे फोन के फुल स्क्रीन पे दिखाई नहीं देती है। मतलब उसको फुल स्क्रीन पे देखना है तो हमें फोन को ऐसे ऐसे मतलब करना पड़ता है, तब वो फुल स्क्रीन पे चलती है। लेकिन जिस तरीके की मैं वीडियो बनाती हूँ वो रेजुलेशन ये वाला होता है, यानी फोन का खड़ा होना, और इस तरीके की वीडियो को देखने के लिए हमें ऐसे वैसे किसी भी तरीके से फोन का जो है मतलब कि डायरेक्शन को या मतलब फोन को इधर उधर नहीं घुमाना पड़ता है। मेन बात तो ये है। अब मैं आपको बता दूं कि बच्चों के पापा बोल रहे थे कि जिस रेजुलेशन में मैं वीडियो बनाती हूँ तो उसका रेजुलेशन चेंज करते। तो मैंने दो दिन पहले जो वीडियो निकाली थी ओरियो बिस्किट की, वो मेरी रेक्टेंगल रेजुलेशन में गई थी, तो मुझे भी नहीं लग रहा था क्योंकि मैं इसी तरीके की वीडियो बनाने में कंफर्टेबल हूँ और मुझे भी अच्छी लगती है, हो सकता है आपको भी अच्छी लगती हो, बाकी तो आपसे ही मुझे पता लगेगा। तो मैंने इस वाले रेजुलेशन में वो वीडियो निकाल दी थी, ठीक है। फिर मैंने सोचा मैं अपने व्यूअर्स से पूछ लेती हूँ कि मैं आगे आने वाली जो वीडियोस बनाऊंगी डेली का खाना बनाने का, इस रेजुलेशन में बनाऊं कि आप मुझे इसी तरीके से देखना पसंद करोगे। तो जो मैंने अभी अभी दूसरी वीडियो निकाली है वो मैंने इसी वाले रेजुलेशन में निकाली है, जिसमें मेरी सारी वीडियोज वगैरह आती हैं। तो अगर आप बुरा ना मानो तो आप मुझे कमेंट्स वगैरह करते हो और वीडियोस भी देखते हो, तो ये छोटी सी सलाह आखिरी बार आपसे मांग रही हूँ, ये छोटी सी सलाह आप मुझे दे दीजिए कि मैं अपने वीडियो को जिस तरीके से बनाती आ रही हूँ, मतलब इस तरीके से बनाती आ रही हूँ, इसी रेजुलेशन में बनाऊँ, या जैसे बच्चों के पापा बोल रहे हैं कि इस रेजुलेशन में वीडियोस को बनाऊँ जैसे कि प्रोफेशनल वीडियोस आती हैं, या उस वाले रेजुलेशन में बनाऊँ। अब मैं ना थोड़ी कन्फ्यूज हो रही हूँ, काफ़ी मेहनत भी मैं करती हूँ आप सभी जानते हैं, और मैं नहीं चाहती हूँ मैं इतनी मेहनत करती हूँ और मेरी वीडियोस बेकार ही जाए। आपको किस तरीके से मेरी वीडियोस देखना पसंद है, मतलब सीधा खड़े जिसमें आती है, या फिर जैसे कि मैंने भी दो दिन पहले वीडियो निकाली थी, जिसने वो वीडियो नहीं देखी आप चाहे तो देख भी सकते हैं, ठीक है ना। मतलब किसी को ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब क्या बोल रही हूँ, तो आप चाहे तो देख भी सकते हैं। अभी मैंने कल ही निकाली है शायद वो वीडियो मैंने मोदक वाली, तो वो ना इसी वाले रेजुलेशन में है, और जो अभी अभी निकाली है आपके पास गई है वो सीधा इसी वाले रेजुलेशन में है। तो प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं अपनी वीडियोज़ का कौन सा रेजुलेशन रखूँ। मैं तो सिंपली अपना काम करती रहती हूँ, लेकिन जब कोई मेरी साथ रोक टोक कर देता है और खासकर अपना, तो फिर मेरा मन नहीं करता, मतलब दिल करता है कि उसकी बात पे भी गौर करने का। अच्छा नहीं लगता है कि हम किसी की बात को इग्नोर कर दें, खासकर अपने की किसी की। तो बस मैं ये सलाह आपसे लेना चाहती, आखिरकार ये एक काम है न कि कोई खेल है कि नहीं। तो चलिए, आज मुझे आपसे यही बात शेयर करनी थी, और मुझे लगता है कि आप मुझे इस
जो मैंने आपसे पूछा है उसकी आप मुझे सही सलाह दोगे। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स जोन सी भी रेजुलेशन के आएंगे आने वाले टाइम में, उसी रेजुलेशन में आपको वीडियो देखने के लिए मिलने वाली है। हो सकता है मेरा काम कंटिन्यू चलता रहे, या हो सकता है कुछ ऐसे कमेंट्स आ जाए जिसकी वजह से मुझे काम करने में दिक्कत आए। मतलब अगर इस रेजुलेशन में वीडियो बनेगी और फिर मुझे शॉर्ट भी निकालनी होती है तब मेरा काम बढ़ने वाला है, और इसीलिए रेजुलेशन में आपके कमेंट्स आते हैं जिसमें नॉर्मल मेरी वीडियो आ रही है तब मेरा काम ऐसे ही चलता रहेगा। पर कोई बात नहीं, मेहनत करना मेरी जिम्मेदारी है, आखिरकार मैं अपना काम कर रही हूँ। जैसे भी आपको सही लगेगा मैं इसी तरीके से वीडियोज बना दूंगी, तो ये छोटी सी हेल्प आप मेरी जरूर से करिएगा। और गणेश चतुर्थी स्पेशल चल ही रहा है, बढ़िया बढ़िया रेसिपी आप सभी के लिए आने वाली है, खासकर मोदक की, मोतीचूर के लड्डू की, बेसन के मोदक की, तो देखना ना भूलिएगा।